So how we do T test and calculate the T value using SPSS? SPSS can it's not that hard, you don't need to manually calculate that. You just enter the data, find the right test, and then you just hit click button. Here is an example and I'll show you physically also like how we actually do it in our next uh, module. They can abhiham they first doing a random sample of five people with the scores on a test 11, 13, 4, 12, and 10. इज ऑप्टेन फ्रॉम अ पापुलेशन विद मीन ऑफ थर्टीन सो पॉपुलेशन का मीन थर्टीन है जबकि जो पाँच हमने सैम्पल कलेक्ट किया उसी पॉपुलेशन में से उनका स्कोर जो है वो ये है एंड दिस स्कोर इज आफ्टर ट्रीटमेंट और सर्च आई वॉन्ट्स टू एग्जामिन इफ द सैम्पल मीन डिफर फ्राम पॉपुलेशन मीन आफ्टर द ट्रीटमेंट सो वी एंटर ऑल द वैल्यूज इन वन कॉलम इन एस पी एस एस आपको पता है एस पी एस एस का हमने शुरू में ये किया है कैसे डेटा एंटर करते हैं वी एंटर द डेटा देन वी गो टू द मैन्यूज ये ऊपर हमारे पास एनालाइज मैन्यू है हम एनालाइज में जाएंगे और एनालाइज में जाने के बाद हम जाएंगे कम्पेयर मीन्स के ऊपर और कम्पेयर मीन्स के ऊपर हम वन सैम्पल टी टेस्ट को क्लिक करेंगे सो वन सेम्पल टी टेस्ट को क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल था जिसको हमने एरोकी से टेस्ट वेरिएबल में भेज दिया तो वी मूव दिस स्कोर्स वेरिएबल फ्रॉम हीयर टू हेयर देन इन द टेस्ट वैल्यू बॉक्स ये हमारे पास टेस्ट वैल्यू कि हमने किस पॉपुलेशन की वैल्यू के अगेंस्ट इसको टेस्ट करना है और हमें उन्होंने पॉपुलेशन की जो टेस्ट वैल्यू दी हुई थी वो थर्टीन थी सो तो हम इसके अंदर थर्टीन ऐड करेंगे सो तो ये हमने थर्टीन ऐड कर दिया और फिर हम उसके अंदर एडिशन परफॉर्म द हाइपोथिस टेस्ट द प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्फिडेंस इंटर्वल एज वेल तो आप उसमें वन साम्पल टीचर्स के अंदर अपना कॉन्फिडेंस इन टर्वल वैसे बाई डिफॉल्ट नाइन्टी फाइव परसेंट ही होता है आप उसको वैसे ही रहने देंगे और आप हिट ओके बटन करेंगे जब आप ओके बटन हिट करेंगे तो ये आपको आउटपुट फाइल खोल के देगा जो कि इस तरह से होगी तो इस आउटपुट फाइल की इंटरप्रटेशन जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट सो सबसे पहले वो आपको डिस्क्रिप्टिव देता है कि इसमें जो हमारी पाँच वैल्यूज़ थी उनका मीन टेन है उनका स्टैंडर्ड डिविएशन थ्री पॉइंट फाइव थ्री है और उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सो रिमेंबर कि हमने उसको एस ओवर एन अंडर रूट करके कैलकुलेट किया था यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दैट बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वाट दिस स्टैंडर्ड एर इज वाट दिस स्टैंडर्डिएशन इज दिस इज एस एस ओवर एन अंडर ऊट है ये एन माइनस वन ये वाली वैल्यू और ये उसने मीन निकाल के आपको दिया है अब ये उसने टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट किया विच इज़ दिस वन तो टी की वैल्यू माइनस वन पॉइंट एट नाइन है ये टू टेल्ड के ऊपर मैंने आपको बताया कि बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप टी कैलकुलेट करेंगे तो वो टू टेल्ड के ऊपर करता है सो so, वो अज्यूम करता है कि वो वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है सो टी so, के अंदर हमारा एस पी एस एस के अंदर हमेशा जो अल्टरनेटिव होता है वो ये होता है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू थर्टीन सो so, टी की वैल्यू माइनस वन पॉइंट एट नाइन है तो so, ये पी की वैल्यू है पी का मतलब है कि आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू पॉइंट वन थ्री है और हमने इसको पॉइंट ज़ीरो फाइव से कंपेयर करना है सो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव से कंपेयर का मतलब है कि ये वैल्यू हमेशा पॉइंट ज़ीरो फाइव से छोटी होनी चाहिए इफ़ दिस इज स्मॉलर देन पॉइंट जीरो फाइव इट मीन्स दैट रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट एंड इफ़ द रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट वी विल रिजेक्ट द नालासिस बट इन दिस केस द वैल्यू ऑफ पी इसको पी वैल्यू कहते हैं सो पी वैल्यू जो है वो दैट इज ग्रेटर देन पॉइंट जीरो फाइव सो पॉइंट वन थ्री इज ग्रेटर देन पॉइंट जीरो फाइव जिसका मतलब है कि हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है एंड इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट सिग्निफिकेंट

हाउ यू को ना अंडरस्टैंड हाउ यू को ना इंटरप्रेट दम सो आप इसके अंदर जब आप रिपोर्टिंग करेंगे इस वैल्यू की तो आप करेंगे कि टी इसको लिखेंगे आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देनी है क्योंकि हमारी फाइव वैल्यूज थी फाइव माइनस वन फोर तो टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट एट नाइन और आप कॉमा डालेंगे और पी लिखेंगे पी इज इक्वल टू पॉइंट वन थ्री और फिर आप नीचे लिखेंगे कि रिजल्ट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट सो वी फेल टू रिजेक्ट द नाला पोथिस जिसका मतलब है कि सांपल का जो पॉपुलेशन का मीन है वो थर्टीन ही है